Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने अपने पिछले शॉर्ट्स में आपको कहा था कि मेरा अगला व्लॉग यहीं का होने वाला है, फाइनली फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं सात घघरी पैलेस पे। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे और देखते हैं कि इसका नाम सात घघरी क्यों पड़ा था और नीचे का पूरा व्यू आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। यहाँ दोस्तों ये है यहाँ से नीचे जाने का रास्ता। ये सात घघरी का मेन एरिया है, यहाँ से इसे कांगला गांव कहते हैं। कांगला गांव के पास से हम इस एरिया से यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये इसका रास्ता है। पत्थरों की जो कटिंग हुई है कितनी खूबसूरत है दोस्तों। चलते हैं आगे, देखते हैं वहां और क्या मिल सकता है। काफी सेफ और सिक्योर पहले से दोस्तों, आप यहाँ फैमिली के साथ आ सकते हैं। यानी ऐसे मैं वैसे सजेस्ट नहीं करता हूँ लोगों को, लेकिन इस पैलेस पे आप अपनी फैमिली के साथ आसानी से आ सकते हैं। लेकिन कभी भी कहीं भी जाए तो सावधानी तो हमेशा हर जगह रखें। चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पानी कितना तेज बहता होगा, तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग हुई है पूरी। चलिए और देखते हैं क्या मिलता है आगे। तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ देखने को मिले दोस्तों, फिर भी देखते हैं। बहुत खूबसूरत दोस्तों आगे, और मेरे ख्याल से रास्ता अब नहीं है यहाँ से, फिर भी देखते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ से जूते गीले हो जाएंगे मेरे जाने में। देख रहे हैं दोस्तों आप, ये सारा पानी ने यहाँ पे काट रखा है और काफ़ी खूबसूरत हमारे लिए एक मंजर बना दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है दोस्तों आप लोगों का। और जो लोग इस पैलेस को और इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल में जो लोग नए हैं, वो लोग फर्स्टली सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। काफ़ी ऊंची नीची जगह है, पैर भी स्लिप हो सकते हैं। यहाँ पर पानी का साउंड देख रहे हैं आप दोस्तों, कितना अच्छा है, और काफ़ी ऊँचा नीचा रास्ता भी है। जब भी आएँ यहाँ पे आप फैमिली के साथ तो काफ़ी संभल के यहाँ पे आप रहें। आने आते हैं तो ये देखिए निमंत्रण दे के गए हैं सुखदास संघ मंगलवती, ये उनकी प्रॉपर्टी हो गई है ये। ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने मेरे ख्याल से पहाड़ से टूट के, ये ऊपर से टूट के गिरी हैं। इन ऐसे पहाड़ों से, ये ऐसी चट्टानों से ये टूट के नीचे आके गिर के यहाँ रुकी हुई हैं। ये ऐसा बहुत सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे निमंत्रण देख गया, ये भी वही है सुखदास संघ मंगलवती। ये देखिए एक और
लव स्टोरी, लव एक प्यार की कहानियाँ हमको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये, यहाँ तो बड़ा शानदार ही लिखा है किसी ने, अब पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है ये। अलग ही देख सकते हैं आप, ये किसी पहाड़ी से टूटा हुआ एरिया है, पहाड़ पे जो बड़े बड़ी चट्टाने रहती हैं उनका टूटा हुआ बड़ा एक टुकड़ा है ये, बड़ा सा देख रहे हैं आप, बड़े बड़े ऊपर से ये सब ये आके यहाँ रुके हुए हैं। इधर भी वैसे ही है दोस्तों, ये ऊपर से टूट के आके यहाँ रुके हुए हैं एक दूसरे के, देखिए। और एक चीज़ तो बतानी भूल गया दोस्तों, इनका सतघघरी नाम क्यों पड़ा है। ये इस टाइप के छोटे छोटे से यहाँ पर ऐसे कुंड बने हुए हैं, इसलिए इन्हें सतघघरी कहा जाता है। एक ये दिख रहा है, जैसे एक ये आगे देख रहे हैं आप, ये जस्ट दिख रहा होगा आपको, ये मेरी उंगली के पास ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको ऐसी एक यहाँ पर, एक ये दिख रहा है यहाँ पर, ये खाली वो सूख चुका है ऐसे। यहाँ पर जब ऊपर से व्यू देखा जाता है तो ये ऐसे सात छोटे छोटे से कुंड भरे हुए दिखते हैं, उन्हें सतघघरी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सतघघरी पड़ा है। ये एक और प्रेम कहानी, ये भी ऐसे ही जिस वजह से इसका नाम पड़ा, ये ऐसे छोटे छोटे कुंड है, जैसे ये दिख रहा है कुंड यहाँ पर, झरने के पास जाने के लिए, ये वाटरफॉल के पास जाने के लिए रास्ता तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत जाने की कि कहाँ से हम पहुँचें। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये है यहाँ का हार्ट शेप में बना हुआ यहाँ का, कितना खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों ये। तो बहुत ही प्यारा मंजर है दोस्तों, लेकिन नीचे जाने का रास्ता तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जाएंगे कैसे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम वाटरफॉल तक पहुंचे कैसे भी करके। तो फ्रेंड्स, फाइनली सबसे नीचे झरने के पास हम पहुंच गए हैं, और इससे नीचे जाने का रास्ता यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत ही स्लीपी एरिया है, अगर हम यहां स्लीप हुए धोखे से भी तो हमें कुछ नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों खूब खूब शेयर करें, ताकि इस लोकेशन को, इस पैलेस को और भी लोग देखें। इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी लोकेशन कैसे पहुंचेंगे यहां तक, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी इस एरिया का, इस जगह का आके आप इंजॉय कर सकें यहां पर। और बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, जब भी आप यहां कभी आएंगे फैमिली के साथ आ सकते हैं, और काफ़ी मज़ा भी यहां पर आने वाला है, क्योंकि ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है कहीं पे भी। देख रहे हैं आप मेरे पीछे ये सब सारा, बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां हमें फ्री में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती, और ये सिर्फ और सिर्फ एमपी में मिलेगा, और एमपी में भी वो भी आपको सतपुड़ा के घने जंगलों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल कर दें दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ, गुड बाय दोस्तों।